नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एसपी नजीराबाद की नाक के नीचे नजीराबाद थाने में तैनात हेड मुंशी मोहित श्रीवास्तव अपनी ड्यूटी के समय थाने में बैठकर मदिरा का सेवन कर रहे हैं। जहां एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेश अनुसार कोरोना कर्फ्यू के दौरान शराब बिक्री पर रोक लगाई गई, बाद में खुलेआम मुंशी पी रहे हैं मदिरा। जब पुलिस प्रशासन की ऐसी नाकामी देखने को मिलेगी तो आम जनता की तो बात छोड़ दीजिए, रक्षक ही बने बैठे हैं भक्षक। जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन जनता की सेवा में लगा हुआ है, वहीं उनके कुछ पुलिसकर्मी ऐसे शर्मसार घटना को अंजाम दे रहे हैं। इससे पुलिस की छवि जनता के प्रति धूमिल होती दिखाई दे रही है। क्या नजीराबाद थाना प्रभारी को नहीं है इसकी भनक? आखिर उन्हीं के थाने में मुंशी मोहित श्रीवास्तव अपनी ड्यूटी के समय मदिरा का सेवन कर रहे हैं। आपको बताते चले कि नजीराबाद थाने में तैनात मालखाना इंचार्ज राजेंद्र सिंह अवैध रूप से बिकवा रहे हैं मदिरा। उच्च अधिकारियों के द्वारा पकड़ी गई मदिरा को अवैध रूप से दोगुने दामों पर बेच रहे हैं। मालखाना इंचार्ज नजीराबाद थाने में तैनात पुलिसकर्मी मोहित श्रीवास्तव द्वारा राजेंद्र सिंह कर रहे हैं खाकी को शर्मसार। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर पुलिस प्रशासन इतनी घोर लापरवाही करेगा तो कैसे काम चलेगा। अब देखने वाली बात है कि क्या उच्च अधिकारी मुंशी मोहित श्रीवास्तव तथा राजेंद्र सिंह के प्रति कोई कार्रवाई करते हैं या मामले को रफा दफा कर देते हैं।